28 December 2011. This is the date when I finally completed my internship and I got the official degree of BTS. I was officially allowed to tell people, to advise people and to treat people their diseases of oral cavity. Oral cavity matlab aapke teeth, tongue, cheek, inside of the cheek, lower part of the tongue, palate, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है. जस्ट क्लीनिंग ऑफ योर टीथ डज नॉट क्लीन द होल कैविटी. बट आई एम नोटिसिंग दिस थिंग सिंस लास्ट मे बी 10 ईयर्स और इवन बिफोर दैट पीपल डू नॉट टेक केयर ऑफ ओरल कैविटी या अपने माउथ का उतना ध्यान नहीं रखते हैं जितना उन्हें रखना चाहिए. इवन ये जो प्रॉब्लम है ये हाईली एजुकेटेड पीपल में भी होती है. मैंने ये नोटिस किया था कि मेरे चारों तरफ जो लोग थे वो उतना ध्यान नहीं रख रहे थे अपनी ओरल कैविटी का. इवन सम ऑफ देम वर मेडिकल प्रोफेशनल्स. उसके बाद नोटिस करना शुरू किया कि डेंटल हाइजीन को लेकर और डेंटल हेल्थ को लेकर इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं, एंड इट शुड बी देयर. वहाँ बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि लोग बिलीव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली पीपल इन इंडिया बिलीव दैट आफ्टर स्केलिंग उनके जो दांत हैं वो लूज हो जाते हैं और गिरने का डर है, या फिर वो बिलीव करते हैं कि RCT और एक्सट्रैक्शन में से RCT इज एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, पेनफुल ट्रीटमेंट, एंड एक्सट्रैक्शन इज द ट्रीटमेंट जो कि बहुत कम पैसों में हो जाएगा और बहुत ईजीली हो जाता है और दांत से छुटकारा मिल जाएगा, सो पेन नहीं होगा. लेकिन ये पूरा सच नहीं है. सो आज मैं 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि ओरल कैविटी को और उसकी हाइजीन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को पता होने चाहिए. सो एज अ डेंटिस्ट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू लिसन दिस वीडियो. आई बिलीव वट एवर नॉलेज आई हैव विद माई डेंटल एजुकेशन आई शुड स्प्रेड दिस एजुकेशन अमंग पीपल सो दैट दे कैन मेंटेन द हाइजीन ऑफ ओरल कैविटी एंड हैव अ गुड स्माइल फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज ब्रश ट्वाइस डेली. डेफिनेटली दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of dental hygiene that every person should clean their teeth every morning और रात को सोने से just पहले, यानी कि उस brush करने के बाद में आपको कुछ भी खाना नहीं है. That is right. But mostly people do just one time brushing and that too in the morning. I must tell you, brushing in morning is important, but brushing in the night after all the meals is the most important thing. In case if you can't go for brushing twice a day, then skip the morning brushing and do in the night. क्योंकि रात में आप जब brush करते हैं उसके बाद कुछ नहीं खाते तो the whole night is there and the whole mouth remains clean for the longer period of time. Now understand this thing कि आपने रात को खाना खाया और खाना खाने के बाद में मुंह अच्छे से साफ नहीं किया, brush नहीं किया एंड क्लीनिंग नहीं की है, उसके बाद आप बेड पर सोने चले गए एंड फॉर द होल नाइट आपके माउथ के अंदर वो फूड डेब्रीज हैं, पार्टिकल्स हैं, ये सब आपके दांतों का जो ऊपर कवरिंग होती है विच इज़ नॉन एज इनेमल उसको डिस्ट्रॉय करते हैं एंड इट क्रिएट्स कैविटीज इन द माउथ. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ब्रशिंग आफ्टर योर लास्ट मील इन द नाइट. डेफिनेटली बोथ द टाइम ब्रशिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू ब्रश इन द नाइट आफ्टर ऑल द मील्स. Another confusion in people about baby's teeth is when to start brushing, like when the baby born or जब पहला teeth आता है तब, या फिर सारे आ जाएंगे तब, या फिर permanent teeth आ जाएंगे तब. So the answer is जब पहला tooth बच्चे के मुँह में आ रहा होता है, around 6 to 7 months की age में आता है, तब से ही बच्चों को brush करना शुरू करा देना चाहिए. इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि oral cavity clean रहती है और दूसरा ये कि उन्हें habit पड़ती है कि उन्हें brushing करनी है and it helps them to maintain this habit for lifelong. जब बच्चा छोटा होता है और उसके मुंह में टीथ नहीं होते हैं तब भी गम पैड्स पर और टंग पे दूध जमा होता रहता है एंड डेफिनेटली उसको रेगुलरली क्लीन करना होता है. तो छोटे बच्चे में कैसे क्लीन करना है, जस्ट ऑन योर फिंगर उस पर आप एक गॉज पीस या पतला कॉटन का क्लोथ रैप कीजिए एंड देन वेट कीजिए और उसके बाद में बेबी के गम पैड और टंग पर उसको हल्का सा स्क्रैप कीजिए ताकि वो जो पीस जमा हुआ है वो निकल जाएगा. देन जब बच्चा 6 महीने या 7 महीने का होता है उसके अराउंड उसका फर्स्ट टीथ आता है और वो जो फर्स्ट टीथ होता है वहाँ से ब्रशिंग शुड स्टार्ट. तो ब्रशिंग हमेशा टीथ के साथ साथ गम पैड्स पर भी और टंग पर भी करनी होती है टू क्लीन द होल ओरल कैविटी. सो रिमेंबर द पॉइंट, पहला टीथ बच्चे के मुंह में जब भी आए ब्रशिंग तभी से स्टार्ट करनी है. नेक्स्ट इज टेम्परेरी टीथ आर इम्पॉर्टेंट. अब इसमें थोड़ी सी हमारी जो फिजियोलॉजी है उसको समझते हैं कि जब एक इंसान पैदा होता है, बच्चा छोटा होता है, 6 महीने से लेकर 2.5 से 3 साल के बीच में उसके सारे दांत आते हैं जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं. उसके बाद 6 साल की उम्र में
परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं और धीरे धीरे जो टेम्परेरी दांत है यानी कि जो दूध के दांत हैं वो गिरना शुरू होते हैं और उनकी जगह पर आते हैं परमानेंटली। तो ये हमारा एक फिजियोलॉजिक सिस्टम होता है। अब यहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि दूध के दांत है तो कैविटी हो गई तो कोई नुकसान नहीं है, ये खराब हो गए तो कोई नुकसान नहीं, इनको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। बट द फैक्ट इज जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात, उनके अंदर अगर केरीज होती हैं तो इट कैन स्प्रेड डाउन टू द माउथ और उसके जस्ट नीचे परमानेंट टीथ होते हैं वो वहाँ उनको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। सेकेंड वन, क्योंकि टेम्परेरी दांतों के नीचे से ही परमानेंट दांत निकल कर आते हैं तो अगर टेम्परेरी दांतों को कोई नुकसान होता है और एक्सट्रैक्शन हो जाता है यानी कि वो दांत निकल जाते हैं तो उसकी वजह से जो टेम्परेरी दांतों के बाद में जो परमानेंट दांत आने थे वो परमानेंट दांतों को प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती है। इन द साइंटिफिक लैंग्वेज अगर ये कहें तो टेम्परेरी जो टीथ है वो स्पेस मेंटेनर्स का काम करते हैं ताकि उस जगह पर परमानेंट टीथ आ सके। टेम्परेरी दांत न हो तो क्या होगा, तो जब परमानेंट दांत आएंगे तो उनके पास पर्टिकुलर स्पेस नहीं होगी तो वो टेढ़े मेढ़े आएंगे एंड देन फाइनली यू हैव टू गो फॉर दी ऑर्थो ट्रीटमेंट, जो कि ज़्यादा परेशानी वाला होता है और बहुत ही महंगा भी होता है और लंबा पीरियड भी होता है। तो बेटर इज टू टेक केयर ऑफ योर टेम्परेरी टीथ, डेली ब्रशिंग कीजिए, क्लीन रखिए अपने दांतों को सो दैट आपके जो परमानेंट दांत हैं वो उन जगहों पर प्रॉपर तरीके से आ पाए और ऑर्थो ट्रीटमेंट की जहां तक हो सके कम जरूरत पड़े। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूज एज स्पेसिफिक टूथपेस्ट। एज स्पेसिफिक टूथपेस्ट का मतलब होता है जब बच्चा 6 or 7 months का है तो उसकी जो टूथपेस्ट होती है वो अडल्ट की टूथपेस्ट से अलग होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें फ्लोराइड जो होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि जो ऊपर इनेमल की जो लेयर है वो फ्लोराइड को ऊपर जब हम पेस्ट करते हैं उससे भी एब्जॉर्ब करती है सो दैट जो इनेमल है वो और स्ट्रॉन्ग बनता है और फ्लोराइड जो है वो केरीज से भी बचाता है। तो डेफिनेटली एज स्पेसिफिक टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, एज स्पेसिफिक ही ब्रश यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटा बेबी है और उसको अडल्ट वाली ब्रश दी गई क्योंकि वो इतनी बड़ी होगी कि उसके मुँह में इंजरी कर सकती है। तो आजकल बहुत सारे एज स्पेसिफिक टूथपेस्ट और टूथब्रशेज मिलते हैं सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग प्रॉपर टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज ओनली ब्रशिंग इज नॉट सफिशियंट। डेफिनेटली ब्रशिंग हेल्प्स अ लॉट इन क्लीनिंग ओरल कैविटी बट ओनली ब्रशिंग कैन नॉट क्रिएट ऑल द स्पेसेस इन द टीथ। होता यह है कि ब्रशिंग से इंटरडेंटल यानी कि दो दांतों के बीच की जो जगह होती है वो क्लीन नहीं हो पाती है क्योंकि ब्रिसल्स वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यूज ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, टंग क्लीनिंग एंड माउथ वॉश। अगर ये चारों चीज़ें होती हैं उसके बाद ही आपकी ओरल कैविटी जो है वो अच्छे से क्लीन हो पाती है क्योंकि इंटरडेंटल एरियाज़ के अंदर इंटरडेंटल ब्रश या फिर फ्लॉसिस जाता है, नॉर्मल ब्रशेस नहीं जाते हैं। टंग स्क्रेपिंग ज़रूरी है, माउथ वॉश जो है वो फाइनली क्लीन करता है और जो भी प्लाक जो है उसको जमने से रोकता है यानी कि बैक्टीरियाज की जो लेयर होती है उसको जमने से रोकता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वन टर्म, प्लाक एंड कैलकुलस। प्लाक एंड कैलकुलस, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में जो फूड डेब्रीज रह जाती हैं तो माउथ के जो बैक्टीरियाज हैं वो फूड डेब्रीज को डाइजेस्ट करते हैं और उनमें से एक लेयर निकलती है, वो एक लेयर जो है वो सलाइवा के साथ मिलकर दांतों के चारों तरफ लग जाती है, उस लेयर को बोला जाता है प्लाक। अगर हम उसको रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं तो बन जाता है वो कैलकुलस, विच इज़ क्वाइट अ हार्ड थिंग, जो कि स्केलिंग के बाद ही निकलता है। उसको निकलवाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे कैलकुलस बनता जाता है वो गम्स को रिसीड करता जाता है, गम्स की जगह लेता जाता है, गम्स नीचे जाते जाते हैं और कैलकुलस और स्प्रेड होता जाता है। इससे दांत जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो मजबूत नहीं रह जाती हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग डेंटल फ्लॉस, इंटरडेंटल ब्रशिंग, टंग क्लीनर, माउथ वॉश एंड ब्रशिंग। नाउ नेक्स्ट परसेप्शन इज दांत में दर्द हुआ, एक्सट्रैक्शन करा देते हैं, दांत में दर्द ही नहीं रहेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल हियर। अगर आपको हाथ में पेन होता है तो क्या आप हाथ कटवाने चले जाते हैं? नहीं ना। तो आप ऐसा दांत के लिए क्यों सोचते हैं? टीथ आर ऑल्सो योर ऑर्गन। ठीक है, बहुत सारे एडवांसमेंट्स हैं डेंटिस्ट्री में बट नेचुरल टीथ की कोई बराबरी नहीं है। सो मेक श्योर कि आप अपने दांतों का पूरा ध्यान रखें, क्लीनिंग करें एंड इन केस इफ यू फील कि कोई छोटी मोटी केरीज है तो आप उन्हें पहले से ही क्लीन करा लीजिए, ठीक करा लीजिए और फिलिंग करा लीजिए ताकि आपको आगे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इन केस अगर आपको लगता है कि पेन बहुत ज़्यादा है और आप उसको एक्सट्रैक्ट करा देंगे तो ठीक हो जाएगा, तो जो पेन है वो आप मेडिकेशंस और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स यानी कि RCT विच इज़ रूट केनाल ट्रीटमेंट,
या फिर और जो ट्रीटमेंट होते हैं उनसे भी ठीक करा सकते हैं. सो प्लीज एक्सट्रैक्शन को आप अपना लास्ट रिजॉर्ट मानिए, फर्स्ट नहीं. नेक्स्ट इज स्केलिंग लूजन्स टीथ. सो दिस परसेप्शन इज क्वाइट कॉमन. जब लोग सोचते हैं कि अगर हमने स्केलिंग करा ली यानी कि दांतों की सफाई करा ली डेंटिस्ट के पास जाकर, तो हमारे दांत हिलने लग जाएंगे, उनमें सेंसिटिविटी डेवलप हो जाएगी. तो द केस इज कि जब आप स्केलिंग कराने जाते हैं तो स्केलिंग जो है वो आपके कैलकुलस को हटाती है, वही कैलकुलस जो कि बैक्टीरिया की वजह से रेगुलर जमता जमता हमारे गम्स को रिसीव कर रहा था और कैलकुलस बढ़ता जा रहा था. जब हम वो कैलकुलस हटवाते हैं तो गम्स उसी वक्त तो इंक्रीज नहीं हो जाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि दांत थोड़े थोड़े मूव कर रहे हैं या लूज हो गए हैं. बट जैसे ही गम्स को हेल्दी एरिया मिलता है डेवलप होने के लिए, वो वापस अपनी शेप में आ जाते हैं. इसलिए इस बात को याद रखिए कि स्केलिंग आपके दांतों को लूज नहीं करती है, बल्कि दे इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ योर टीथ. नाउ सेकेंड इज सेंसिटिविटी. यस, फॉर फ्यू डेज सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग स्केलिंग जब हम कैलकुलस को क्लीन कर रहे होते हैं या प्लाक क्लीन कर रहे होते हैं, तो हल्की फुल्की इनेमल की लेयर भी क्लीन हो जाती है. उसकी वजह से आपको दांतों में सेंसिटिविटी नज़र आ सकती है. सेंसिटिविटी के लिए ट्रीटमेंट ये है कि पहली बात तो आपको 2-3 दिन या 4 दिन के बाद में वो सेंसिटिविटी फील ही नहीं होगी, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो यू कैन यूज़ सेंसोडाइन और सम एंटी सेंसिटिविटी पेस्ट, सो दैट आपको वो सेंसिटिविटी भी फील ना हो. नेक्स्ट इज RCT causes pain. So the real thing is RCT is not the thing which is causing you pain. पेन आपके दांत में पहले से ही है, मे बी बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, मे बी बिकॉज ऑफ पेरियोपाइकल एब्सेसेस और समथिंग लाइक दैट. नाउ RCT इज द प्रोसेस जिसमें आपके जो रूट है उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज हैं उनको निकाला जाता है, और उसके साथ में जो पल्प है मे बी नेक्रोटिक, उसको भी रिमूव किया जाता है. तो जब हम वो रिमूवल करते हैं तो उसमें वो चीज़ पेन करती है, लेकिन वो पेन RCT की वजह से नहीं हो रहा है, वो पेन हो रहा है क्योंकि आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है. इसलिए अगर आप पहले से ध्यान रख लेंगे तो यू कैन अवॉइड RCTs, फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज अगर आपको RCT में पेन है तो यू कैन टेल योर डेंटिस्ट दैट प्लीज़ गिव मी लोकल एनेस्थीशिया और प्लीज़ सेडेट मी अ लिटिल बिट सो दैट मुझे ये पेन फील नहीं हो. बट एक्सट्रैक्शन के बजाय RCT डेफिनेटली प्रेफरेबल है इन केस इफ द सिचुएशन सेज. नाउ नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी. यूज एंटी सेंसिटिव पेस्ट लाइक सेंसोडाइन. एंटी सेंसिटिव पेस्ट यूज़ कीजिए एंड देन डू नॉट वॉश योर माउथ विद वाटर एटलीस्ट फॉर 10-15 मिनट्स. एंटी सेंसिटिविटी पेस्ट कैन कवर योर ऑल टीथ एंड यू कैन हैव लेसर ऑफ सेंसिटिविटी. बट इन केस आपको ऐसा लगता है कि यू आर हैविंग सेंसिटिविटी अ लॉट, तो गो टू द डेंटिस्ट एंड आस्क वॉट इज द रीज़न. देर माइट बी अ रीज़न कि आप जो ब्रश करते हैं वो बहुत ही विग्रसली कर रहे हैं. सो रादर देन विग्रस ब्रशिंग, डू इट फॉर 2 मिनट्स विद स्लो and gentle motions so that all the teeth are clean and not getting abrased. Second reason of sensitivity is that you might be using those whitening toothpaste, those are having more abrasive in them. So wo paste mat use kijiye jisme ki zyada abrasives hai. In case if you want teeth whitening, then there are multiple ways you can go and ask to your dentist that how to get white teeth, and in case if you want to use those kind of paste, then take advice from the dentist. They are the best persons to advise you about the teeth whitening. And the last is bed breath. Bed breath is the problem most of the people suffer from. First reason behind this is not proper brushing. To avoid bed breath, do brushing twice a day, early morning and late in the night after all the meals. Clean your oral cavity, maintain the oral hygiene so that there is no food debris left inside your mouth. अगर आप अपनी ओरल कैविटी सही से क्लीन करते हैं, देन ऑल्सो यू आर फेसिंग बेड ब्रेथ, दैट मीन्स यू नीड टू सी द डॉक्टर. सो दिस वॉज द वीडियो. आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट सिंस लॉन्ग एंड आई वॉज प्लानिंग टू मेक दिस वीडियो टू अवेयर डिफरेंट पीपल. डेंटल हाइजीन या फिर ओरल कैविटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स. आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज. जो भी टॉपिक्स हैं डेंटल से रिलेटेड और जनरल परसेप्शन से रिलेटेड, वो मैं डेफिनेटली अपने वीडियोज़ में शेयर करूंगी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इन केस इफ यू लाइक द video, and if you want more such videos in which I'm telling about the dental health and oral hygiene and other medical issues, so please let me know in the comment section below. Tab tak stay healthy and stay happy. Bye bye.